सर्जरी गिरोह का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग खाड़ी देशों से निकाले गए दोषियों के फिंगरप्रिंट में फेरबदल करते थे ताकि वे फिर से वहां जाकर नौकरी कर सके। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने केरल और राजस्थान में भी फिंगरप्रिंट पैटर्न बदलने के लिए ऐसी 11 सर्जरी की है। वे एक सर्जरी के लिए 25,000 रुपए चार्ज करते थे। फिर से कुवैत जाने के लिए सर्जरी कराने वाले दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से सर्जरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकल किट और अन्य सबूत जब्त कर लिए गए हैं। हैदराबाद के मलकाजगिरी जोन में 29 अगस्त को एक स्पेशल टीम ने ऑपरेशन चलाया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग हैदराबाद के एक होटल में ठहरे थे। पता चला है कि वे घटकेसर इलाके में और लोगों की सर्जरी करने वाले थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 36 साल का गजलकोंडोग्री नागा मुनीश्वर रेड्डी कड़पा जिले के कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में रेडियोलॉजिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन है। वहीं 39 साल का सागवाला वेंकट रमना तिरुपति के डीबीआर अस्पताल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है। मोविला शिव शंकर रेड्डी 25 और रैनला रामाकृष्ण रेड्डी 38 कुवैत में कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते थे। उंगलियों की ऊपरी परत को काटकर पैटर्न चेंज करते थे। पुलिस ने बताया कि सर्जरी के प्रोसेस में गजलकोंडोग्री और सागवाला उंगलियों की ऊपरी परत को काट लेते थे। इसके बाद टिश्यू के हिस्से को हटाकर उंगलियां सिल देते थे। एक या दो महीने में घाव भर जाता था। इसके बाद साल भर तक फिंगरप्रिंट पैटर्न में थोड़ा बदलाव हो जाता था। सर्जरी करवा चुके लोग आधार कार्ड में अपनी उंगलियों के निशान अपडेट करवाते थे। इसके बाद नए पते के साथ कुवैत के फ्रेश वीजा के लिए अप्लाई करते थे। इससे पहले साइबराबाद पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। वो गिरोह पैसे निकालने के लिए पॉलीमर का इस्तेमाल करके उंगलियों के निशान की क्लोनिंग करता था।